हेलो फ्रेंड, लाइव हो? आज थोड़ा जल्दी लाइव आ गए हैं ना। और देखते हैं कितने लोग अभी जुड़ते हैं लाइव से। आपके एक लोग आ चुके हैं, तो नमस्कार, शुभ संध्या सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली अभी हम लोग नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, आप बोलो। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग ने बताया था कि हम लोग को दिल्ली जाना है, तो अभी हम लोग तो दिल्ली आ चुके हैं। और जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं वो ट्रेन भी काफ़ी लेट थी, 5.5 घंटे लेट थी। और हम लोग अब दोपहर में 1:30-2 बजे के लगभग पहुँचे हैं। और उसमें नहा धोकर खाना अपना खा पी कर थोड़ा फ्रेश होकर सो गए थे। और अभी को थोड़ा टाइम मिला तो हम सोचे पहले लाइव चले जाए, उसके बाद पता नहीं रात को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरे के रूम पर आए हुए हैं जो गाँव के लोग, एक लोग रहते हैं उनके रूम पर। तो अभी जितने लोग जुड़े हैं आप लोग बताइए कैसे हैं और कहाँ से हैं। घूमने नहीं आए भाई, हम लोग आए हैं दिल्ली IIT के पास हैं अभी हम लोग। ये देखिए पीछे दिल्ली IIT का कैंपस है, दिखाइए आप, दिखाइए, रोटेट करिए। ये देखिए दिल्ली IIT है, ये पूरा दिल्ली IIT, इधर जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो एरिया है, आप बोलो। ये देखिए यहाँ कुछ बच्चे लोग गेम वगैरह खेल रहे हैं, अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये देखिए ये सब IIT है। हेलो मनीष कुमार जी, और आप कहाँ से हैं और कैसे हैं? तो मनीष जी आप कहाँ से हैं, इसमें कहाँ से जुड़े हुए हमारे लाइव वीडियो को देख रहे हैं? कोई दिल्ली से है क्या? आप भी दिल्ली से? हम लोग अभी दिल्ली में हैं। कोई अभी दिल्ली से है क्या? नहीं, नई दिल्ली में हम लोग। नई दिल्ली में हम लोग, हाँ नई दिल्ली IIT के पास हैं हम लोग एकदम। IIT का ये जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे हम लोग अभी हैं। हेलो मनीष जी, तो आनंद जी आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? आनंद जी कहाँ हैं? आनंदा, आनंदा, आनंदा हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताइए आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग कैसे हैं, ये भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। कल हम लोग ट्रेन में थे इसलिए लाइव नहीं आए थे, और आज लाइव आए हैं, थोड़ा टाइम मिला है अभी इसलिए लाइव आ गए हैं। और थैंक यू मनीष जी। मनीष जी और आप कैसे हैं? हेलो नितेश, नमस्कार भाई। तो अभी हम लोग तो दिल्ली आ चुके हैं भाई, सहरसा से। आप सहरसा से हैं? मनीष कुमार ठाकुर जी सहरसा से हैं। थैंक यू सहरसा से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। और आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय? हैदराबाद से हितेश, नितेश, 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 सॉरी मैंने गलत पढ़ा, हैदराबाद से भी देख रहे हैं। थैंक यू नितेश जी आपको भी। और आप क्या कर रहे हैं इस समय? दिल्ली से है क्या कोई? नई दिल्ली से कोई जुड़ा है? कोई भाई नई दिल्ली से भी है क्या? नहीं होते तो बताते ना, अभी बोले ना। यहाँ पे बैठना, बैठ जाओ थोड़ी देर ना, बैठ जाओ। नहीं ठीक है ऐसे बैठ जाओ। इसे इसका ये आ रहा है ना, संभल के पीछे पाइप है ना, पीछे एकदम पीछे आ जाओ इधर। अच्छा मनीष जी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हैदराबाद में मैं भाई, हैदराबाद में मैं 5 साल रहा हूँ। हैदराबाद में मैं वहीं पे मैं नौकरी करता था, 5 साल मैंने हैदराबाद में बिताए हुए अपने। वैसे आप वेज बिरयानी खा रहे हैं? हैदराबाद में 5 साल में रहा हूँ।
हैदराबादी बिरयानी भाई नॉनवेज होता है और नॉनवेज हम नहीं खाते हैं, वैसे वेज भी होता है बट हैदराबादी बिरयानी तो वैसे नॉनवेज से ही फेमस है, तो नॉनवेज हम लोग खाते नहीं हैं बिल्कुल। हाय नगेंद्र जी, दरभंगा से मिलने हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी आप ठीक हैं? हैदराबाद में बिरयानी बनता है उस्ताद, मालूम है भाई हैदराबाद में बिरयानी है। आप हैदराबाद में? मनीष जी, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, बनारस जिले से, और इस समय हम फिलहाल में दिल्ली आए हुए, नई दिल्ली। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और अभी दिल्ली में हैं, नई दिल्ली में हैं, आईआईटी के पास। दिल्ली में आईआईटी के पास अभी हम लोग हैं, पांचवें फ्लोर पर, टेरेस पर, एकदम छठा फ्लोर है शायद ये। हम लोग उत्तर प्रदेश से नितेश जी और बनारस जिले के हैं। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, आपको भी शुक्रिया। तो नितेश जी आप कैसे हैं इस समय? कल टाइम मिलेगा तो दिन में भी हम लोग लाइव आएंगे, फिर दिल्ली आईआईटी का ऊपर का कैंपस, ऊपर के फ्लोर से मतलब दिखाएंगे दिल्ली आईआईटी का कैंपस पूरा, जहां से दिख सकेगा हम लोग को। कोशिश करेंगे खाली रहेंगे तो, नहीं तो ब्लॉग वीडियो में जरूर डालेंगे। परसों हम लोग जुड़े थे, उनको पता होगा कि हम नई दिल्ली क्यों आए हैं। परसों मैंने अपने लाइव में बताया था कि हम नई दिल्ली आए हैं किस लिए, और आप लोग भी जानना चाहेंगे तो हम लोग कल फिर शाम को हो सकता है लाइव आए इसी टाइम पे, तो कल भी बताएंगे कि हम दिल्ली क्यों आए हुए हैं। एक्चुअली हम लोग दिल्ली लखनऊ हमेशा घूमते रहते हैं, काम है हमारा कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ टाइमिंग थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि किसी और के रूम पर रहते हैं, आप जानते हैं सब जगह व्यवस्था नहीं रहता है, तभी हम लोग छत पर आए हुए हैं। आज नितेश जी आप बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी खा भी लीजिए जल्दी से गर्मा गर्म। और ये देखिए हमारे पीछे जो आपको लाइटें सब दिख रही हैं, दिल्ली आईआईटी का कैंपस है ये पूरा। दिल्ली आईआईटी जो लाइट पूरा दिख रहा है आपको ना, ये पूरा दिल्ली आईआईटी का कैंपस है ये। ओके नितेश भाई, थैंक यू, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। बाकी पीछे ये पूरा दिल्ली आईआईटी का कैंपस है, यहाँ से लेके पूरा ये जो आप देख रहे हैं सारी बिल्डिंग है, ये सब दिल्ली आईआईटी का है पूरा कैंपस है। ये लाइटें जो जल रही हैं देखिए, प्लेग्राउंड है यहाँ पे लोग खेलते हैं। बाकी इस तरफ ये भी आईआईटी का ही कोई बिल्डिंग है, अभी नया बिल्डिंग बना है, शायद एक साल पहले ही बना है। और हम लोग हैं अभी छत पे, हम और शिक्षा जी छत पे हैं ऊपर, और यहाँ से आप लोगों को दिखा पा रहे हैं ये। पकड़िए आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे तो हमें और खुशी होगी। गुड़गांव में 6 साल में दिल्ली में रहो, अच्छा आप गुड़गांव में भी रहे हैं और दिल्ली में भी 6 साल रहे हैं। आयांस आ रहा है, है। नहीं वो छोटे बच्चे नीचे हैं, मुझे लग रहा है बाबू, नहीं वो नहीं आएगा। तो अभी आयांस नीचे हैं। थैंक यू नितेश जी, आप लोग के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग करेंगे नहीं तो होगा कैसे? करे ना करे मैं जरूर शेयर के लिए बोल रहे हैं ना। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बाकी का घर का हाल चल क्या है?
क्या कर रहे हो? देख रहे इधर को खेल। तो फ्रेंड्स आज जल्दी आ गए हैं इसलिए शायद लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, सबके पास समय नहीं होगा। इधर भी सब अच्छा है, बढ़िया है, सब अच्छे हैं। अपना सुनाइए। हाँ अपना भी तो बढ़िया है भाई। अभी कुत्ते भौंकने की आवाज़ आप लोगों के पास जा रही होगी। एक्चुअली नीचे कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं वो लोग, तो आप लोगों को कुत्तों की आवाज़ जा रही होगी। दिल्ली IIT का कैंपस बहुत ही मस्त लगता है, इधर ग्राउंड बहुत अच्छा है खेलने लायक। छत पर से देखने में यह नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। बाकी और लोग जो जुड़ रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं? जो अभी नए लोग जुड़े हैं हमसे लाइव, वो लोग कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ से हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। और शिक्षा जी के फॉलोअर अभी इनके हो चुके हैं 55,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हेलो मनीष कुमार जी, भाई हम लोग तो अभी आए हैं दिल्ली और सुबह 7 बजे ही हम लोग को निकलना है यहाँ, और जिस काम के लिए आए हम लोग उसके लिए हमें सुबह 7 बजे निकल जाना है, और दिन भर हम लोग वहीं पे रहेंगे, फिर शाम को हो सकता है मिलें। हाय कालू भाई। कालू भाई हेलो, केम छो? तो हम लोग कल किस लिए जाएंगे ये तो हम लोग शायद लाइव होकर ना दिखा पाए आप लोग को। हाँ मगर ब्लॉग वीडियो जरूर बनाएंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग पेज को इनके शिक्षा जी को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ब्लॉग वीडियो जब बना लेंगे बाद में, फिर जब यहाँ से हम लोग घर वापस पहुँचेंगे फिर उस वीडियो को अपलोड करेंगे, यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे और यहाँ फेसबुक पर भी अपलोड करेंगे, तो आप दोनों जगह देख सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देखें या फेसबुक पर भी देख सकते हैं। शिक्षा एवी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता ही है। कालू जी केम छो? ओके मजा में छो, हूँ पर मजा में छू। ओके भाई थैंक यू नितेश जी। मनीष जी हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और अभी नई दिल्ली में हैं हम लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और अभी नई दिल्ली में हैं हम। थैंक यू कालू भाई। जमानू थई गयो कालू भाई? मैं थोड़ी गुजराती ट्राई कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गया मुझे गुजरात को छोड़े हुए। मैं अहमदाबाद में था जब छोड़ के, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग आई थिंक 3 साल इधर 13 साल हो गए मुझे गुजरात छोड़े हुए, शायद 13-14 साल हो गए, 13-14 साल पहले, तो गुजराती मैं भूल गया हूँ। ओके चलो थैंक्स भाई, आप ड्यूटी पर लेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू नितेश जी, बिल्कुल ड्यूटी ज़रूरी है, आप अपना ड्यूटी ज़रूर करें, ड्यूटी बहुत ज़रूरी है। वीडियो तो अभी बाद में भी देख लेंगे लेकिन ड्यूटी बहुत ज़रूरी है, आप ड्यूटी करिए भाई। चलिए थैंक यू इतना देर पर ड्यूटी करने के लिए। और जो लोग फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तो हमारे और जो वीडियो हैं फेसबुक पर यूट्यूब पर वो भी आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। हमारा पर्सनल ब्लॉग है यूट्यूब पर भी है शिक्षा एवी नाम से, और फेसबुक पर तो आप लोग देख ही रहे हैं अभी।
तो फ्रेंड्स अभी आप लोग जो लोग भी जुड़े हैं वो बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को। नए लोग जो जुड़े हैं वो लोग कहाँ से हैं प्लीज़ आप कमेंट करें। देखिए ऊपर से एरोप्लेन भी आ गया, ये आप लोगों को रात में एरोप्लेन दिखाते हैं। ये देखिए ये एरोप्लेन जा रहा है अभी हम लोग के एग्जैक्ट सर के ऊपर से ये गुजरेगा अभी तो, और बगल में ही दिल्ली एयरपोर्ट है थोड़ी दूरी पर। देखिए ये देखिए एरोप्लेन जा रहा है, ये गया एरोप्लेन। इधर सामने इस तरफ ही एयरपोर्ट भी है, तो एरोप्लेन हर 5 मिनट पे एरोप्लेन जाता रहता है, वो पीछे जा रहा है एरोप्लेन। बाकी जो नए लोग जुड़े हैं वो कमेंट करें प्लीज़ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को। शिक्षा जी को खांसी भी आ गई। ये है पूरा, और हाँ एक चीज़ और, इधर इधर बाजू में यहाँ से अभी तो रात है, दिन होता तो यहाँ से कुतुब मीनार का भी थोड़ा सा लुक आपको दिख जाता है। कुतुब मीनार का जो ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ से दिखाई देता है बिल्डिंग के ऊपर से। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं ना यहाँ से कुतुब मीनार दिखता है, बहुत दूर नहीं है पास में ही है। तो कुतुब मीनार भी हम लोग सुबह आए, जब ये सुबह अगर लाइव आएंगे दिन में लाइव आएंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। इधर बगल में कुतुब मीनार भी दिख जाएगा और IIT का भी पूरा आप लोगों को दिखेगा। कल लाइव आएंगे, हो सकेगा तो कल लाइव आएंगे, दिन में अगर लाइव आएंगे या शाम को लाइव आएंगे उजाला रहेगा तो आपको कुतुब मीनार जरूर दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा दिखता है एक्चुअली, हम तो देखे नहीं है, इधर दिखता है, इस तरह दिखता है। नहीं तो छत पर नहीं है अभी, देखो लाइट वाइट जल रहा होगा तो शायद दिखे। इधर देखो, वो देखो कुतुब मीनार है अभी। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुतुब मीनार का लाइट जल रहा है यहाँ से, तो जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं कुतुब मीनार का दिखाता हूँ। ये देखिए कुतुब मीनार है, मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखेगा, ये जो लाइट जल रही है ये कुतुब मीनार है। ये देखिए ये जो आपको बीच में दिख रहा होगा ना ये लाइट जल रही है वो कुतुब मीनार ही है, और यहाँ से दिन में पूरा क्लियर दिखता है, अभी रात को देखिए लाइट पूरा जल रहा है कुतुब मीनार पे वो। तो ये कुतुब मीनार सामने ये वाला जो थोड़ा मैंने जूम कर लिया हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही दिखने में, ये चीज़ यहाँ पे ये है कुतुब मीनार नई दिल्ली में। और हम लोग देखिए हैं कुतुब मीनार से थोड़ी दूरी पर, अब जूम आउट जूम इन करने पर ही दिख रहा है वो। थैंक यू आनंद जी, देखिए कुतुब मीनार वो रहा कुतुब मीनार। असरल जी हम लोग घूमने नहीं आए हुए हैं दिल्ली में, कुछ काम से आए हुए हैं। घूमने नहीं आए असरल जी, घूमने की वजह से नहीं आए, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए आए हैं। और आप आगे हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं, और हमारा ब्लॉग वीडियो आएगा जब एक दो दिन बाद हम लोग जब ब्लॉग वीडियो अपना अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग दिल्ली क्यों आए हुए हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा कारण है दिल्ली आने का, हमने परसों के लाइव में आपको आप लोगों को बताया था शायद कि हम लोग दिल्ली क्यों आए हैं, लेकिन शॉर्ट में बताया था कि बस इतना जान लीजिए कि हम दिल्ली आए हैं, यहाँ पे नई दिल्ली में दिल्ली एम्स में आए हुए हैं अभी, और हम अभी IIT के पास रुके हुए हैं। हमारे गांव के एक लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग से क्लोज़ हैं और एकदम घर के जैसा हमें यहाँ पर फील होता है, तो हम इन्हीं के यहाँ रुकते हैं जब भी आते हैं। तो देखिए एक और एरोप्लेन आ गया इधर, तो 5-5 मिनट पे यहाँ पे हवाई जहाज़ जा रहे हैं ऊपर से, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है वॉयस का। ये तो अच्छा है कि हम लोग जहाँ पे यहाँ पर हाईवे वगैरह नहीं तो साउंड वगैरह बहुत ज़्यादा जाता, जैसा हमारे घर पे जाता है, घर पे तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। बंद किया जाए लाइक को, इतना देर काफ़ी है ना, बाबू भी नीचे अकेले। हाँ तो चलिए आज के लाइव को अभी बंद करते हैं क्योंकि अयांश नीचे अकेला है, अकेला नहीं है मतलब जो साथ में जिनके यहाँ रहते हैं भैया हैं सब लोग हैं उन लोग के साथ खेल रहा है। लेकिन अब कल कोशिश करेंगे, कल टाइम मिलेगा तो कल फिर हम लोग लाइव आएंगे और बताएंगे कि हम लोग अभी एम्स में आए थे तो हम लोग के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब कुछ कल बताएंगे। और ब्लॉग तो आएगा ही आएगा बाद में, कंप्लीट ब्लॉग घर से निकलने से लेकर और यहाँ तक आने का पूरा प्रोसेस का ब्लॉग शिक्षा जी के पेज पर और इनके यूट्यूब चैनल पर भी आएगा। तो आप लोग इनके यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे शिक्षा भी तो इनका जो ब्लॉग वाला चैनल है वो आ जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी इनके वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी के लिए लाइव को बंद करते हैं, और जितने भी लोग जुड़े थे उन लोगों को बहुत थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। और सभी को
गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, गुड नाइट बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो मैं गुड नाइट बोलने वाला था लेकिन गुड मॉर्निंग निकल गया मेरे मुँह से। तो कल हम लोग फिर लाइव आएंगे और कुतुब मीनार आपने देख ही लिया, एक बार फिर से चलिए आपको लास्ट टाइम दिखाते हैं आज के लाइव में कुतुब मीनार। जो अभी लोग जुड़े हैं उनको दिखाता है कुतुब मीनार, यहाँ से पास में दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ फिर आपको लोगों को दिखेगा। ये जो छोटा सा लाइट जल रहा है ना, ये कुतुब मीनार है। ये देखिए आप लोग जूम कर सकते हैं, ये कुतुब मीनार है, जूम नहीं करना एक्चुअली, कुतुब मीनार ही है ये। ये जो लाइट जल रहा है ना, ये वाला, ये कुतुब मीनार है। हेलो मनीष कुमार ठाकुर जी, तो कुतुब मीनार भी यहाँ से दिख रहा है बिल्डिंग के ऊपर से। और अब हम अपनी लाइफ को सोच रहे हैं बंद करें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए सभी को धन्यवाद, फिर से सबको धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और कल फिर लाइव आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे क्या हुआ हमारे साथ। चलिए अभी के लाइव बाय बाय बंद करते हैं, गुड नाइट।